अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हुरैदा राबेल और आप सबको अपनी वीडियो में वेलकम करती हूँ। जी व्यूवर्स, तो आज की वीडियो है इकबाल क्लॉथ मार्केट की, जो कि है बोल्टन मार्केट में। ये मार्केट मेन एमेजना रोड पर वाक़ है और मेमन मस्जिद के बिल्कुल साथ में। इकबाल मार्केट कराची की अहम तरीन मार्केट है और शाजो नादिर ही कोई ऐसा होगा जो इस मार्केट के बारे में ना जानता हो। ये एक होलसेल मार्केट है और यहाँ से हर कोई इजीली होलसेल रेट में ड्रेसेस बाय कर सकता है। ख़ास तौर पर रीसेलर्स के लिए यहाँ काफ़ी डिस्काउंट होता है और उनको काफ़ी रियायत में ड्रेसेस मिल जाते हैं, क्योंकि होलसेल मार्केट में लार्ज क्वान्टिटी में सूट दिए जाते हैं तो उनको काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन अगर आपको 2-3 सूट या इससे भी कम सूट लेने हो तो यहाँ आपको आम दुकान के नस्बत कम प्राइस में ड्रेस मिल जाता है। अच्छा जी व्यूवर्स, आज मैं गई थी अपने हस्बैंड और अपने सिस के साथ इकबाल क्लॉथ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ ड्रेसेस बाय करने थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हल्का फुल्का मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। मौसम सरमा का आगाज़ तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन विंटर कलेक्शन हर जगह मौजूद है और यहाँ पर भी विंटर की बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी थी और हम लोग ड्रेसेस बाय करने के लिए इकबाल क्लॉथ मार्केट गए। अलबत्ता कराची में तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट हुई और यहाँ पर सिर्फ सर्दी ने 2-3 मिस कॉल्स दी और वापस चली गई। आपको यहाँ ओरिजिनल ब्रांडेड ड्रेसेस के साथ साथ उनकी मास्टर कॉपी या बेहतरीन क्वालिटी का रिप्लिका भी मिल जाता है। अच्छा जी व्यूवर्स, इकबाल क्लॉथ मार्केट तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन कुछ शॉप्स का मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। अभी ये अर्ली मॉर्निंग टाइम है और आई थिंक सुबह के बजे थे 11, तो इसीलिए बिल्कुल इनका स्टार्टिंग टाइम है। और अगर आप थोड़ा लेट जाएं तो आपको इस मार्केट में बहुत रश मिलेगा। जो भी होलसेल्स मार्केट हो या रिटेल मार्केट हो, उन मार्केट में तकरीबन दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और मेरी मोस्टली आदत है, मैं कहीं भी शॉपिंग के लिए जाऊं तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही प्लान करती हूँ। अच्छा जी, ये फ़र्स्ट शॉप है जहाँ हम गए थे और इनके पास 1250 से स्टार्टिंग थे ड्रेसेस और मैक्सिमम लिमिट आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने निकलवाए थे और इनके पास 1250 की रेंज भी काफ़ी अच्छी थी, एम्ब्रॉयडर्ड और फैंसी में। ये मोस्टली जो पार्टी वेयर ड्रेसेस शो कर रहे थे ये तमाम 2250 रुपीज़ के थे। डिज़ाइनर सूट की फ़र्स्ट कॉपी भी यहाँ बेहतरीन क्वालिटी की थी। ये कुछ ड्रेसेस जो ये दिखा रहे हैं, ये चिकनकारी के ड्रेसेस हैं और इनके प्राइस आई थिंक 2400 थे। और इसका अब ये दूसरा डिज़ाइन शो कर रहे हैं और इसके भी सेम ही प्राइस थे। देखिए कितने खूबसूरत और माशाल्लाह ज़बरदस्त सूट हैं। अच्छा, अक्सर शॉपकीपर ने तो यहाँ ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है कि वो ऑनलाइन सेल करते हैं, तो वीडियो में मैं कुछ कार्ड्स भी आपके साथ शो करूँगी ताकि आप इजीली कांटेक्ट करके ऑनलाइन ड्रेसेस बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ड्रेस जो दिखा रहे हैं ये है 1250 की रेंज में और इसके बहुत सारे कलर और बहुत सारे डिज़ाइन इनके पास मौजूद थे। 1250 इनके फ़िक्स प्राइस थे और सूट काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह, और इसके डिज़ाइंस, इसकी कलर बहुत ज़्यादा थे इनके पास। ये इसी सूट के मज़ीद कलर्स शो कर रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो में आगे जाके मैं इनकी शॉप का कार्ड आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकें। और रीसेलर्स के लिए भी इनके पास काफ़ी डिस्काउंट पैकेजेस थे। भट्टी कलेक्शन के नाम से इनकी शॉप है और इनके पास लेडीज़ फैंसी ड्रेसेस की ह्यूज वैरायटी होती है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो इनका कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन सेलिंग का सेटअप भी है और ये अभी मज़ीद फैंसी कुछ ड्रेसेस शो कर रहे थे जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। अच्छा जी, ये यहाँ पर कुछ लिलन ड्रेसेस शो कर रहे थे जो कि काफ़ी अच्छे स्टफ़ में थे और इसके प्राइस थे 1500।
और ये काफ़ी अच्छा लिनन फैब्रिक था। इसकी भी इनके पास कलर्स और डिज़ाइन काफ़ी वैरायटी थी। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम दूसरी शॉप का रुख कर चुके हैं और ये सेकंड शॉप है। इनके पास भी फैंसी ड्रेसेस की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इनफैक्ट इनके पास ब्रांडेड ओरिजिनल सूट भी थे। और जो ये ग्रे वाला सूट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके प्राइस थे 3000। ये ऑर्गेन्जा का सूट था और इसके भी इनके पास काफ़ी कलर्स और काफ़ी डिज़ाइंस अवेलेबल थे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आपको इस ड्रेस की कंप्लीट पिक दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली इनका डिस्प्ले का ड्रेस था और इसमें काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे। तो ये इनका फ्रंट साइड था, पूरा फ्रंट इनका हैवी जाल है और फ्रंट बैक स्लीव दुपट्टा सब हैवी एम्ब्रॉयडरी और मिरर के साथ था। 3000 इसकी प्राइस थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे। और इस शॉप का कार्ड आपके सामने है, अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा जी, हमारी थर्ड और लास्ट शॉप थी, तो यहाँ पर टू पीस की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और मैं अक्सर टू पीस इसी शॉप से बाय करती हूँ। लॉन कॉटन टू पीस इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन अवेलेबल थे, काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे और इसकी प्राइस थी 650 रुपीज़ में आपको कैजुअल यूज़ का कॉटन टू पीस ईज़िली मिल जाएगा। तमाम प्रिंट्स और कलर्स ये बारी बारी शो कर रहे हैं, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं। इनका कार्ड भी मैं आगे आपको मेंशन कर दूंगी और ये भी ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। बस जी व्यूअर्स, तो यही था आज का एक बार मार्केट का एक छोटा सा विज़िट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।